Assalamualaikum, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। माई नेम इज़ अनुष्का शब्बी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अनुष्का व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ये है कि आज जुम्मा है और मम्मा के दो पार्सल भी आज आ चुके हैं दराज से। और वो था कि मम्मा ने दो चीज़ें मंगवाई थी, ऑर्डर की थी, और हमें पता नहीं है कि वो क्या है। तो बाबा का ही नंबर हम लोग लिखवाते हैं, तो बाबा के फ़ोन पे फ़ोन आया था कि आप लोगों का पार्सल आ चुका है। तो फिर बाबा वहाँ से लेके आ गए। अब बाबा जुम्मा के आपको समझ आवाज़ें आ रही होंगी कि जुम्मा हो रहा है अभी, तो वो जुम्मा पढ़ने गए हैं बाबा। और हमें कहा था कि आप लोगों का पार्सल आ गया है, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। आज जुम्मा था तो मम्मा ने आहिल और उमरा को दोनों को नहला दिया था। अब हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को अंदर के हालात दिखाती हूँ। तो चलें भाई, चलते हैं अंदर। आहिल क्या कर रहे हो? अच्छा, तो उमरा और आहिल को दोनों को मम्मा ने नहला दिया है। तो अभी का सीन ये है कि ये दोनों नहा चुके हैं, मैं ठहर के नहाऊंगी। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि अभी हम लोग जो है ना ठहर के नहाएंगे, मैं ठहर के नहाऊंगी, सॉरी। और इन दोनों ने नहा लिया और मैं आप लोगों को अभी रूम के हालात दिखाती हूँ। इतने को रूम गंदा होगा क्योंकि जुम्मे को मम्मा ने हिलाती है ना इन्हें, तो फिर इस वजह से टाइम उसमें हो जाता है और फिर ये लोग ऊपर से इतना ज़्यादा कचरा कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें इतना गंदा रूम हुआ है। तो अभी बस इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को पार्सल दो दिखा देती हूँ जो मम्मा के आ चुके हैं। तो हमें नहीं पता है वैसे क्या है इन दोनों में, तो ये तो मम्मा जब ओपन करेंगी तब आप लोगों को ही पता चलेगा और हमें भी। अच्छा, तो ये सॉफ्ट डिश थी, कितनी प्यारी बनी मम्मा जी। क्या है ये सॉफ्ट डिश है? मैंने देखी थी ऑनलाइन। अच्छा, तो ये जैसे वेंटी बनी होती है ना छोटी सी, ये वो बना है। ये इसकी वो टैप्स हैं और ये उसका शावर है, ये ऐसे लगेगी। अच्छा मम्मा, जब आप ये लगा लेंगे हमें दिखाएंगी? हाँ जरूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा ना कि मैं इसको वॉल में लगवाऊँ या जैसे इसकी डबल टेप लगी हुई है वो हटा के ऐसे लगा दूँ। फ्रेंड्स, आप लोग जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा कि हम लोग कैसे इसको लगवाएं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा जी, चलिए आप सेकंड पार्सल की तरफ आते हैं। बेटे ये सॉफ्ट डिश है, मैंने क्या किया? अरे इसमें से पानी भी निकलता है। इसमें पानी थोड़ी निकलता है। हाँ, पीछे पाइप लगा हुआ है सुना है। ये वैसे ही बेटे मैंने भी यही क्यूरियोसिटी थी मुझे भी, तो मैंने भी इसी के लिए ये ऑर्डर की थी। ऐसा पीछे हो गया भाई, ये देखिए यहाँ से लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका पाइप कहाँ पर लगा हुआ है, तो आहिल ने जोर से पानी निकालना है। यहाँ से आप लगा सकते हैं। ये देखिए घूमता भी है पानी जितना मर्जी निकाल लो। हाँ जी, घुमा के तोड़ दिया हम लोगों ने। ये पकड़ ले, इसका कुछ बचना बुझना नहीं है, पकड़ ले। ये देखे चीज आती है हमारे घर मम्मा के यूज के लिए, चीज आती है यहाँ पर। और इन दोनों को सबसे ज्यादा होता है कि हम लोगों ने इसके अंदर है क्या चीज, पर उस लोगों का ऑपरेशन ऐसा करेंगे इस चीज का कि वो चीज ही नहीं देखने लायक बचेगी। न्यू आई, और अभी देखे उमड़ा के देखे जरा, तो बाकी बचा हुआ ऑपरेशन था वो उमड़ा करेगी, कंटिन्यू उमड़ा कर रही है, ठंडे वाला। अच्छा बेटे चलो इसको छोड़ो ना, अब बस कर दो इसको। अभी सेकंड पार्सल ओपन करते हैं। गेस करो ये क्या हो सकता है। याद नहीं है। तो अभी बस ये ओपन हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, अभी हम इसको बस थोड़ा सा रह गया, तो फिर जब ये ओपन होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओह अच्छा, ये एग ट्रे है। एग है क्या? एग
रहा है। तो जो हमारे फ्रिज में रैक्स है ना एग के लिए, वो काफी ना मतलब थोड़े हैं, यानी उसके अंदर सिर्फ ना 8 या फिर 5 अंडे पूरे आ सकते हैं। तो कभी मम्मा उसको प्लेट में रखती है, सर्दी हो या गर्मी हमारे घर में ना एग जरूरी होते हैं। तो हम लोग मम्मा कभी उनको प्लेट में रखती थी तो कभी कहीं और, तो फिर मम्मा ने ऑनलाइन ये देखा और मम्मा ने इसको ऑर्डर कर लिया। अच्छा जी, तो ये हमारे 2 पार्सल थे। नहीं पता चल रहा कि उसके ऊपर टेप लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई है। देखिए मम्मा लगी है, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। अब ये तो आपके फ्रेंड्स ही बता सकते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि अब इसको कैसे ओपन करते हैं। मुझे तो इसका पता नहीं चल रहा कहाँ है इसकी टेप। अच्छा तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर बताइएगा कि इसकी टेप कहाँ पर है, हमें तो अभी पता नहीं चल रहा कि इसकी टेप कहाँ पर है। अभी तो यही नहीं है। मिल गया ये है ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पहले से पता था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मिल गया, देखिए ये पार्सल का जितना भी मेस था वो मम्मा क्लियर करेंगी, क्योंकि मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आहिर से कहते हैं कि उठा दे। आहिर नहीं, तुम पहले कोट ट्राई कर लो बाबा का पूरा कि नहीं पूरा। तो ये देखें उतारा इसको, और आहिर ही उठा लो जरा ये ना मम्मा, अभी आपको पता है ना उठा लो, मम्मा ने इतने ज्यादा भी रूम भी क्लीन करो, बाबा का गंदा हो रहा है उतारे आपको, छोटा बड़ा है आप तो ना पहन सकते। आप ये फिलहाल मेस क्लियर कर लो। चलो शाबाश, ये पकड़ो ये सारा समेटो, इसको नहीं, ये नहीं है उमरा को दे, बबल रैप उमरा खेल रही थी इसके साथ। तो आप लोगों के घरों में भी जब ये पार्सल जब अनबॉक्सिंग होती है उनके, तो ये जो बबल रैप निकलते हैं उनको, तो ये बच्चों को इतनी जल्दी नहीं होती है पार्सल की जितनी इनको ये होती है। तो उमरा को भी हम लोगों ने खेलने के लिए भी यही दिया हुआ है। तो आहिल चलो आप ये उठाओ, ये मम्मा पकड़ लेंगे। ओह सॉरी, ये देखो भाई आपने ये टेढ़ा कर दिया। हो टेढ़ा हो गया। देखें हमारी बास्केट भी भर चुकी है, ना क्या नाम लेते हैं, कचरे वाली बास्केट भी भर चुकी है। और कचरे वाले अंकल जो इतने दिन हो गए वो आ नहीं रहे, तो अब आहिल बेचारा भी क्या करता, उसने भी देखे यहाँ पर वो नीचे गिर गया कचरा, क्योंकि बास्केट हमारी फुल हो चुकी है क्योंकि अभी उनकी ईद गुजर गई तो इसमें मसरूफ थे, तो उन लोगों को वैसे भी चाहिए तो था कि वो आ जाते हैं। लेकिन अगर कचरे वाले अंकल आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आ जाए, हम लोग ये कचरा कहाँ पर फेंकें, ये बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और चले भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आज हमारी मेड भी जो थी ना वो जल्दी आ गई थी, तो सफाई भी आज जल्दी हो गई हमारी घर की। और अंदर का आहिर ने भी यहाँ पर देखें फेंक दिया कचरा, और अभी हम लोग अंदर देखते हैं, अंदर का भी मम्मा भी सारा मैं क्लीन करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ट्रे में जो है ना उसका रैक जो है एग का, उसके अंदर एग्स रख दिए हैं। ये आपने लगा लिए एग्स? हाँ जी लगा लिए। तो मजे तो इतने थोड़े हैं, आपने कहा था इतने ज्यादा हैं, वो आधे कुछ उधर लग गए। अच्छा, बचे हुए थे वो मैंने इस पे रख दिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूं, मंगवाया था देखो ये लगे। तो ये देखिए इतनी जगह थी हमारे इस एग रैक में, तो इसलिए हम लोगों ने वाला मंगवाया था। रहने तो बेटे वो ठंडा है अभी, देखे मैं निकाल देती हूँ। इतनी आज अच्छी धूप है और हम लोगों के जो कपड़े थोड़े बहुत गीले थे वो हम लोगों ने रख दिए, क्यों ना भाई इस धूप से फायदा उठाएं। इतने दिनों वो कल भी बारिश हुई थी तो कल इतना ठंडा मौसम रहा, और हम लोगों के जो गीले वगैरह कपड़े होते हैं ना जो नॉर्मल टीम में हो जाते हैं, तो फिर वो हम लोग भिला ही ना पाए, तो फिर कल के भी आज के भी हम लोगों ने इकट्ठे भिला दिए। वहाँ पर मम्मा ना तपरी लगा रही हैं क्योंकि बाबा वजू बना के गए हुए थे, तो फिर उससे ना थोड़ा बहुत फर्श गीला हो गया। तो ये जो ना मैं भी ऐसे करती हूँ, माहिल का नाम भी लगा रही हूँ, उमरा का भी लगा रही हूँ, क्योंकि शूज़ के बगैर हम लोग फिरते हैं तो फिर वो सॉक्स गीले हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से मम्मा तपरी लगा रही हैं, क्योंकि हम लोगों तो अपनी आदतों से बाहर नहीं आना, हम लोग तपरी लगा देते हैं। तो यहाँ पर तपरी लग रही है, और मेरी उम्मू जी उमरा को देखे थप्पड़ पड़ा, मुझे बोला दिखाएं जरा कौन पर फूला मेरे बेबी को, कोई ना जो ना उमरा को यहाँ पर थप्पड़ पड़ा क्योंकि मम्मा को तंग कर रही थी, है ना। अपने आज फ्रेंड्स को कुछ कहना नहीं है। फ्रेंड्स अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम लोग कौन सी नेक्स्ट वीडियो लाएं। तो है ना मुझे क्या करना है, शेयर आप ज़रूर करना। आज हमारे घर बन रहे हैं जी आलू मुंडे, मुझे तो पसंद नहीं है, तो रात को देखे मम्मा ने ना बाबा के लिए बन रहे हैं, मम्मा ने रात को ये मुंडे जो भी हैं उसको शायद काट लिया, पनीरा काट लिया, लेकिन ऐसे कर लिया। हाँ जी वही वो कर लिया, तो फिर उसके बाद आज मम्मा ने उसके ऊपर नमक लगा दिया है, और अब ये हमारे आलू मुंडे बन जाएंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स पर जरूर कहिए किस किस को पसंद है, खैर मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग खा लेते हैं। तो चले आज का व्लॉग हमारा यहीं पर एंड होता है, और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उमरा के एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो अभी हम लोग आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को क्या करना हूँ,
हाँ जी, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना। अल्लाह हाफिज़।